अगस्त स्वतंत्रता दिवस है, देश के आज़ादी का पर्व है और इस बार तो ज़्यादा उत्साह है लोगों में। धारा 370 हटी है, बहुत ही उत्साह है, तो इस उत्साह को बरकरार रखें। और मैं यही निवेदन करूँगा कि इस आज़ादी के पावन पर्व पर हम सब मिलकर समाज के लिए, शहर के लिए, देश के लिए करें और इस देश को परम वैभव तक पहुँचाने के लिए हम सब मिलकर काम करें और जो हमारे प्रधानमंत्री जी काम कर रहे हैं उसके साथ कदम से कदम मिलाते हुए आगे बढ़े। आज मैं 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के अंतर्गत सभी मध्य प्रदेश के भक्तों को, जनता जनार्दन को मैं स्वतंत्रता की बधाई देता हूं और हमारी शुभकामनाएं हैं सभी जनता जनार्दन को। आज अपने अपने, मैं तो कहता हूं सबके अपने घर में एक ध्वज लहराना चाहिए, क्योंकि वो एक पर्व ऐसा है कि हमारा देश स्वतंत्र हुआ था, उस स्वतंत्रता के दिवस के अंतर्गत हम सब लोग मिलकर के एक खुशी मनाते हैं और हम सब इकट्ठे होते हैं, ध्वजारोहण करते हैं और जिन्होंने अपने देश के लिए बलिदान किया उनकी याद करते हैं। जिस ढंग से हम लोग चाहते हैं कि पूरी जनता जनार्दन ये जो दिन होता है स्वतंत्रता दिवस का, वे पर्व की तरह मनाया जाए और जिस ढंग से भारत सरकार, मध्य प्रदेश सरकार, सभी सरकारें अपने अपने स्तर से मनाती हैं, उसी तारतम्य में हम संत समाज भी स्वतंत्रता दिवस मनाने जा रहे हैं। हम बार बार आप सबको शुभकामनाएं, जनता जनार्दन को, और एक कहूँगा मैं कि जब भी झंडा तिरंगा फहराते हैं हम, नाम लव पर शहीदों का जाता है, नाम लव पर शहीदों का जाता है। धन्यवाद। पूर्व दिशा में उगता सूरज पश्चिम में अस्ताचल को जाता हुआ अपना असीम सौरभ जिस देश के कणकण पर नित्य प्रति निछावर करता हो, जिसकी जर्री जर्री से यही आवाज़ आती है कि भारत जैसी भूमि विश्व में कहीं नहीं है, कहीं नहीं है, कहीं नहीं है। ऐसी पावन तपोभूमि के सभी नागरिक भाई बहनों को स्वतंत्रता दिवस की कोटि कोटि बधाई देती हूँ। सबसे प्रार्थना करती हूँ कि हम अपने कर्तव्यों का पालन मेहनत, लगन और ईमानदारी के साथ करें, यही सबसे बड़ी देशभक्ति है। जय हिंद। राष्ट्रीय पर्व 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस की सभी देशवासियों को, प्रदेशवासियों को, इंदौर शहर के नागरिकों को मैं अपनी ओर से बहुत बहुत शुभकामना देता हूं, बहुत बहुत बधाई। साथ ही कश्मीर में जो धारा 370 हटाई उसके लिए भी सभी देशवासियों को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। अब हकीकत में कश्मीर का विकास होगा, कश्मीर भारत का एक अभिन्न अंग है, अब ऐसा लग रहा है कि कश्मीर हमारा है। मैं माननीय नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ जो हमने इतना बड़ा देश को एक तोहफा दिया। सभी इंदौर शहरवासियों को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद। भारत माता की जय।